आपके हस्बैंड? उनको मैं संभाल लूंगी। मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ संभाल लोगी प्रिया। कुंदन जी आप जा सकते हैं। क्या मैं ये जान सकता हूं कि ये शख्स कौन था? मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी। हम अगर कैसे बताते? कैसे बताती एक बेटे को कि उसके बाप का कत्ल तुमने कैसे किया? तुम अपनी बकवास बंद करोगे? तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अब आया, क्योंकि बेहोशी के आलम में मैं ये भूल गया था कि आस्तीन में मैं एक सांप को पाल रहा हूं। जो मुझे किसी भी वक्त डस सकती है। तुम्हारी आंखों में ये जो शक का पर्दा पड़ा हुआ है ना, उसके वजह से तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। आ रहा है, नजर आ रहा है मुझे, मगर मुझे जो नजर आ रहा है उसमें तुम मुझे सलाखों के पीछे नजर आ रही हो प्रिया, क्योंकि मैं इसी वक्त SID को फोन करने जा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? लीव द फोन प्रिया, लीव द फोन। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मगर कुछ करने से पहले एक बार ये देख लो। क्या है ये? और क्यों देखूं इसे? एक बार विक्रम। बट वॉट इज दिस? ये क्या है प्रिया? विक्रम, तुमने अपने प्यार को इतना कमजोर समझ लिया कि तुम्हें लगा मैं तुम्हारे पापा को मरवा दूंगी, वो भी पैसों की खातिर? अरे मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे हमेशा, मगर मेरे प्रति उनका नजरिया कभी बदला ही नहीं। उनके मौत के बाद मेरे मन को एक बात बार बार कोसती रही कि उनके जीते जी मैंने उनका दिल नहीं जीता, और तभी मैंने डिसाइड किया कि उनकी सारी दौलत मैं एक ओल्ड एज होम को दान कर दूंगी। आई एम सॉरी विक्रम कि मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई। जिस दौलत की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी, वो दौलत हमें कैसे खुशी देती? पापा की मौत के बाद इस दुनिया में और कौन बचा था मेरे लिए? एक मेरी पत्नी, और मैंने तुम पर भी शक किया प्रिया। मैं तुमसे मांगूं भी तो कैसे माफी मांगूं? कैसे कहूं कि I'm sorry? It's okay, विक्रम. It's okay. I'm really sorry. I'm sorry. विक्रम, वैसे मैंने जब वकील तिवारी का नंबर निकालने के लिए डैड के सेल को स्विच ऑन किया, बैंक से एक मैसेज आया था, किसी कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र था। प्रिया, हमें फौरन SID को इन्फॉर्म करना होगा।
हेलो ऑफिसर। सर मैं विक्रम मदान, मदान साहब का बेटा। हाँ बोलिए। सर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ सर। दीजिए। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि कल जब मेरे पापा की मृत्यु हुई उस वक्त उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहा होगा सर, क्योंकि सर आज जब मैंने उनका मोबाइल स्विच ऑन किया तो ये सर ये SMS बैंक का SMS मुझे मिला सर। SMS रात को 9:30 बजे भेजा गया। इससे पता चलता है कि मिस्टर मदान के डेबिट कार्ड से 1,00,000 रुपयों की खरीदारी की गई है कोहिनूर शॉप से। सर हमारे कंप्यूटर की क्रिमिनल रिकॉर्ड में जितने भी संतोष नाम के आदमी हैं उसमें किसी की भी शक्ल इस तस्वीर से मेल नहीं खाती, और ना ही इस शक्ल सूरत या इस हुलिये के किसी आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे पास है। बिल्डिंग में आने वाला आदमी रजिस्टर में अपना सही नाम लिखाकर खून नहीं करेगा। मिस्टर विक्रम, क्या आप इस सूरत के किसी आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता। ये रही मिस्टर मदान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर मदान का खून किसी धारदार हथियार से गला काट देने से हुई है, और उनकी मौत रात 1 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई। मिस्टर विक्रम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके पिताजी की मौत रात को 1 बजे के बाद हुई है, और मोबाइल के SMS के मुताबिक रात को 8 बजे उनके डेबिट कार्ड से 1,00,000 रुपए की खरीदारी की गई है। क्या आप बता सकते हैं आपके पिताजी ने ऐसी कोई खरीदारी की है? नहीं सर, सर बिल्कुल नहीं सर। सर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सर मेरे पिताजी आज तक कोई भी शॉपिंग या कोई भी खर्चा या तो मुझसे करवाते थे या मुझसे बिना सलाह लिए कभी कोई खर्चा करते नहीं थे सर। और ये 1,00,000 की शॉपिंग, इतना बड़ा अमाउंट सर, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता सर।